नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया चैनल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी गाने पर अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप कभी भी MP3 प्लेयर में आपने अपना गाना सुना होगा तो उसमें आपको एक फोटो नजर आता है उस गाने के ऊपर, तो वैसे ही फोटो आप अपने गाने में कैसे लगा सकते हैं वही मैं आपको आज की इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता रहता हूं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आगे से कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। हम प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन का नाम है स्टार म्यूज़िक टैग एडिटर। ठीक है, आप यहां से इस प्रकार से स्टार म्यूज़िक टैग एडिटर यहां पर लिख दीजिएगा और मैं पूरे स्पेलिंग इसका जो यहां पर लिख देता हूं टैग एडिटर और इसको सर्च कर दीजिए। वैसे तो दोस्तों ये एप्लीकेशन यहां पर आ चुकी है लेकिन फिर भी आप सर्च कर लीजिएगा एक बार यदि आपके सामने इस प्रकार से नहीं आती है तो हम सर्च करेंगे। और जैसे हम इसको सर्च करेंगे दोस्तों आपको देखिए फर्स्ट नंबर पर ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्टार म्यूज़िक टैग एडिटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन नज़र आ रही है, एक स्टार म्यूज़िक टैग एडिटर और एक iTag। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन से आप ये काम कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें स्टार म्यूज़िक टैग एडिटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा, 4.4 की रेटिंग है और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छी इसकी प्रोसेस भी है। तो दोस्तों इससे हम ये काम कर सकते हैं, किसी भी गाने पर फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। दोस्तों अब हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। दोस्तों जैसे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा। दोस्तों इधर आपको अपने सॉन्ग नज़र आ जाएंगे, अपने फ़ोन के जितने भी सॉन्ग्स हैं। दूसरा आप यदि आपको यहाँ पर अपना सॉन्ग इस प्रकार से यदि आप फाइंड आउट नहीं कर तो इधर आप यहाँ से फोल्डर से भी अपने सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडर से अपने टाइम वाइज अपने सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हैं, एल्बम में से, आर्टिस्ट और जनर, तो इन तरीकों से आप अपने सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों यदि इस सॉन्ग पर पहले से कोई फ़ोटो यदि लगी होती तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, और यदि इस पर कोई फ़ोटो नहीं लग रही है तो आपको यहाँ पर ये एम्प्टी नो इमेज के तरह यहाँ पर नज़र आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको इस पर फोटो लगाने के लिए आपको एक यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है पिक पिक्चर। ठीक है, आप पिक पिक्चर पर क्लिक, आप इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे और आप यहाँ से अपने इमेजेस वाले फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप किसी फोल्डर से अपने फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शन भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जैसे सॉन्ग टाइटल आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, आर्टिस्ट लिख सकते हैं, एल्बम लिख सकते हैं और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे, एल्बम आर्टिस्ट ईयर और इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी डिटेल भी यहाँ पर भर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी सॉन्ग पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। दोस्तों इसकी आपको जो एल्बम नेम है आपको एल्बम नेम भी इसमें लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई इंडिया। और जैसे आप एल्बम नेम यहाँ पर लिख देंगे तो फिर आप इसको सेव कीजिएगा तो ये जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग इसकी स्टार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सॉन्ग था उस पर हमने जो फ़ोटो लगाया तो देखिए यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सॉन्ग पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, उसका आर्टिस्ट वगैरह जो भी डिटेल है वो भर सकते हैं। आई होप आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लेता आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।